उत्तराधिकारी तो अभी हम सोच ही क्यों रहे हैं इस बारे में, क्योंकि माननीय बहन कुमारी माती ने इसको बहुत ही क्लियर कट कह दिया कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, हमें जरूरत ही नहीं है। और हम मुझे जबरदस्ती कर रहे हैं उनको लेकर, देखिए जबरदस्ती जो लोग कर रहे हैं जिनकी ऐसी मंशा है कि वो चाहते हैं कि उत्तराधिकारी को बताया गया है, उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग है। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। कल से एक मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, वो है बीएसपी प्रमुख मायावती पर एक सवाल जिस पर पूछा गया कि मायावती अपना उत्तराधिकारी किसको चुन रहे हैं। उसके बाद मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अभी पूरी तरह स्वस्थ हूं और अगर भविष्य में कभी भी बीएसपी का कोई उत्तराधिकारी या उनका कोई उत्तराधिकारी होगा तो वो दलित समाज से ही होगा और वो शख्स होगा जो बीएसपी के दुख सुख में उनके साथ खड़ा रहा है। तो तमाम ऐसी अफवाहें और चुनाव से पहले इस तरह का जो बयान है ये मीडिया गलियारों से निकलकर बसपा तक पहुंचा और उस पर जो है पूरी तरह से मायावती कहीं ना कहीं हमलावर नजर आई। अब ऐसे में एक युवा जो है वो कैसे सोचता है, और हम आज ऐसे ही एक युवा जो कि बसपा के युवा नेता हैं राहुल चौधरी, वो एडवोकेट भी हैं, उनकी क्या राय है और वो क्या इस बयान को कैसे देखते हैं, क्योंकि तार्किक तौर पर काफ़ी आगे आकर अपने बयान को रखते हैं, अपनी बात को कहते हैं। तो राहुल, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी पूरी बात आपने सुनी, क्या लगता है आपको इस बयान से? जी देखिए, सबसे पहले तो आपके सारे व्यूअर्स को मेरी ओर से जय भीम नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक स्पेशल थैंक्स टू यू बिकॉज यू गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टूडे इन योर बिग प्लेटफॉर्म। सो जो आपका सवाल है कि जिस प्रकार से कल माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट अभी चुनाव के दौर में देने की ज़रूरत पड़ी क्यों? सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए, ये इसलिए सोचना चाहिए, सबसे पहले ये है कि सवाल क्यों उठाए। बिल्कुल उत्तराधिकारी, मैं ये इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो इस देश की फर्स्ट कभी नेशनल पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी, यह जो पार्टी आज मुख्य रूप से अन्य प्रदेशों में भी और प्रदेशों के साथ साथ राज्य स्तर पर देखें या फिर सेंट्रल लेवल पर देखें तो आज ये अपनी जमीन को खिसकता हुआ देख रही है। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जिस प्रकार से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय वाजपेयी जी कहते थे कि मेरे पैर में दो ही कांटे चुभते हैं, एक माननीय साहब काशीराम जी, दूसरे माननीय मुलायम जी, तो ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस को भी सबसे ज़्यादा जो खटकते थे वो साहब काशीराम खटकते थे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि माननीय साहब काशीराम जी ने इस देश के ऑप्रेस कम्युनिटी को, जिसमें मुख्य रूप से एससी वर्ग के लोग, एसटी समाज के लोग, अल्पसंख्यक व तमाम माइनॉरिटी कम्युनिटी के वे लोग आते हैं जो सामाजिक आर्थिक स्तर पर पिछड़े हुए हैं, तो कांग्रेस से उनका वोट बैंक एक तरीके से छीन लिया था, जो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर 1984 के बाद में इस देश की थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बहुजन समाज पार्टी को शिफ्ट हुआ। तो आज भी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में बार बार वो अन्य प्रयास करती आ रही है पिछले अन्य सालों से कि किस प्रकार से बसपा का कोई विकल्प देखा जाए, कि बसपा के अंदर किस प्रकार लोगों को डिवाइड किया जाए ताकि चाहे वो जाति के आधार पे हो या फिर लोगों को इस देश के ऑपरेस कम्युनिटी को भ्रम किया जाए। और ये अक्सर ये मुद्दा कोई पहली बार नहीं उठा, पहले भी मुद्दे उठे कि बसपा का उत्तराधिकारी कौन होगा, हमें उत्तराधिकारी की भी आवश्यकता ही नहीं है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी परम आदरणीय नेता हैं, वो बिल्कुल, उन्होंने जैसा कल आप सभी लोगों ने सुना कि वो बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और बीसियों साल अभी तो बहुत समय है माननीय बहन जी की, हम तो हमेशा कामना करते हैं कि माननीय बहन जी की आयु दीर्घायु रहे, हम उनके सुपरविजन हमेशा काम करते रहें, क्योंकि वो एक ऐसी प्रशासक हैं ये सभी ने देखा कि जिसका लोहा हमारे जो पहले के पीवी नरसिम्हा राव जी थे, उन्होंने माननीय बहन कुमारी मायावती जी को लोकतंत्र का जादू, मिरेकल ऑफ डेमोक्रेसी बोला था। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, जो लोग कहते रहते हैं कि तमाम चीज़ें कि बसपा कमज़ोर हो गई है, देखिए ये सब भ्रांतियाँ होती हैं समाज के अंदर। दरअसल क्या होता है कि जब हाथी जब चलता है ना तो तमाम तरह के लोग अपने तंज कसते हैं, कुछ ना कुछ अपनी मन बुद्धि का उदाहरण वो समय समय पर देते रहते हैं, लेकिन जब हाथी अपनी दिशा में सही दिशा की ओर बढ़ता है ना, एक साइकोलॉजी होती है कि जब इंसान आगे बढ़ता है तो 10 तरह के लोग उसको गाली देना, उसको क्रिटिसिज्म करना, ये मैंडेटरी है, ये लोकतंत्र के अंदर इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्रिटिसिज्म इज मैंडेटरी। तो अगर आज बहुजन समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में अपना, चाहे वो आज
हमारे पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हों, उसके उनको तकलीफ क्यों है बेसिकली। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से प्रबुद्ध सम्मेलन जो ब्राह्मण सम्मेलन है और ओबीसी सम्मेलन जो चल रहा है उसको लेकर अब खलबली मचने लगी हैं अन्य दलों में, और उसको लेकर ही इस तरह का एक सवाल खड़ा कर देना चाह रहे हैं बीएसपी और बीएसपी प्रमुख मायावती के ऊपर कि वो वहीं उलझ कर रह जाए और जो ध्यान है वो वोटर्स का कहीं ना कहीं उस पर चला जाए, जैसे कि नए उत्तराधिकारी की बात। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक तरफ कोई प्रमोट किया जा रहा है किसी नेता को, उसको थोपने की कोशिश की जा रही है या समाज उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को आप? देखिए, एक तो जो प्रबुद्ध सम्मेलन उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, जैसा कि हम सही भली भांति जानते हैं कि 2007 का वो दौर उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले 2022 में फिर दोहराया जाएगा। पहली बात कि कुछ लोगों ने प्रबुद्ध सम्मेलन को ब्राह्मण सम्मेलन नाम दे करके, क्योंकि किसी जाति विशेष का सम्मेलन बता करके समाज के अंदर एक सोशल डिवियंस क्रिएट करने की तैयारी की थी, लेकिन हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनकी चाल को भली भांति समझ लिया था, और इसीलिए ये जो सम्मेलन आज चल रहे हैं, ये प्रबुद्ध सम्मेलन का मतलब ये है कि चाहे व्यक्ति, क्योंकि समाज हम और आप लोगों से मिलकर बनता है, समाज हर एक जाति हर एक धर्म के लोगों से मिलकर बनता है, और हमारी जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी पूर्ण रूप से हमें बताता है कि इस देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति जो पैदा हुआ है उस सबका समान अधिकार है, और हमारी जो पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये टोटली बेस्ड है भारतीय संविधान पर, और यही हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि जब तक इस देश के अंदर पूर्ण रूप से भारतीय संविधान का प्रेम्बल एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ यही है कि इस देश में प्रत्येक समाज के लोग उनका सामाजिक आर्थिक स्तर इक्वल रहे, क्योंकि जितना भी संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं कि डिस्पैरिटीज़ आती क्यों है सोसाइटी के अंदर, कोई बहुत अमीर है कोई बहुत छोटा है, तो ये कोई लड़ाई राजनीति की नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी का इतिहास है कि वो कभी राजनीति या पद लालच लोभ पैसे के लोभ में आकर के कभी उसने काम नहीं किया, उसने जब भी काम किया अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए काम किया। अच्छा, जिस तरह से मायावती कांग्रेस को लेकर अचानक से उग्र हुई थी, अभी जब बयान आया उत्तराधिकारी वाला उसके बाद कांग्रेस को लेकर, क्या लगता है कि जिस प्रोग्राम में सतीश चंद मिश्रा से इस तरह का सवाल किया गया कि बसपा का उत्तराधिकारी कौन होगा, तो उसके बाद उसी प्रोग्राम में एक नेता हैं जो अभी नए नए उभरे हैं और उनसे भी एक सवाल किया जाता है, उनसे सतीश चंद्र मिश्रा के बारे में पूछा जाता है तो वो भी सतीश चंद्र मिश्रा के बारे में कहते हैं, तो इसके पीछे कांग्रेस का क्या कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर मायावती अचानक से मीडिया के सामने आती हैं और उन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बयान जारी करती हैं और उसमें तमाम आरोप लगाती हैं? देखिए, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि कांग्रेस, हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस एक ऐसा कैंसर है जो हमारे समाज में बरसों से लगा आ रहा है, उसने हमारी पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए तमाम तरह की देश के अंदर वो पॉलिसी स्कीम्स को उसको लॉन्च किया गया है, और जिसमें कि आज वर्तमान सरकारें उसको लागू करने का काम कर रही हैं। तो कांग्रेस कभी हमारे क्या, वो तो बाबा साहब के भी हित में नहीं थी। नहीं, मायावती ने एक बात कही कि कांग्रेस जो है वो भाड़े की भीड़ लाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक मैसेज था कि जो कुछ इस घटनाक्रम के पीछे करा रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस है, क्योंकि जिस तरह का उनका बयान था कि कांग्रेस भाड़े की भीड़ लाकर इकट्ठा करती है, तो अभी इसका मतलब उन्होंने इशारों में कह दिया है कि जो लोग तैयार किए जा रहे हैं या उनसे बयान दिए जा रहे हैं बसपा के लिए, वो कहीं ना कहीं पैसे देकर उनके पीछे पैसा खर्च, मतलब स्पष्ट तौर पर ना कहा हो लेकिन बयान को क्या इस तरह से जो दिखाया है बताया है, वो लगता है आपको कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो है इसमें कुछ है? देखिए, ये जो आपका सवाल है इसका जवाब मैं एक एग्जांपल के तौर पे देना चाहूँगा कि जब भी कोई फिल्म की शूटिंग होती है तो फिल्म की शूटिंग में जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं असली हीरो हीरोइन वो नहीं होते, बल्कि पर्दे के पीछे जो निर्माता हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो उनको पैदा कर रहे हैं, वही लोग असली हीरो और एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, क्योंकि जो सामने हमें दिखता है राजनीति के अंदर, सामने जो पिक्चर लोगों को दिखाई जाती है वो लोगों के सिर्फ एक मास हिप्नोटिज्म करने का एक तरीका होता है, ताकि लोग ये एक्सेप्ट कर लें कि, खासकर बहुजन समाज के लोग ये एक्सेप्ट कर लें कि ये जो व्यक्ति कर रहा है ये ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है, तो ऐसा जो सिनेरियो हमारे वातावरण में हमारे आसपास की एक साइकोलॉजी में डाला जाता है, या जो तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे संगठन आज जो माननीय
परम पूजने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, या जो बसपा पे तंज कसते हैं, बल्कि अगर हम इतिहास में जाएं तो आज जो लोग जय भीम का उद्घोष करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो जय भीम का उद्घोष करने की ताकत बहुजन समाज पार्टी ने दी उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को जाति के नाम से बैठने तक नहीं दिया जाता था, आज बड़ा एग्जाम्पल मेरे को याद आता है कि आज बहुजन समाज के भी कुछ बच्चे जो सवाल करते हैं कि, या जो सवाल करते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इस समाज के लिए क्या किया, इस देश के लिए क्या किया, तो ये उन लोगों के लिए वो जवाब है कि जिनके दादा परदादाओं को कभी खाट पे बैठने नहीं दिया गया, आज वो सवाल करते हैं हमारे बहुजन समाज पार्टी से, हमारे बहुजन नेताओं से। कि बेसिकली देखिए, आज हमारे समाज के अंदर बहुजन प्रकार के भी नेता डिफरेंट पाए जा रहे हैं। एक तो दलित नेता और बहुजन नेता होने में, दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि दलित नेता और बहुजन में दोनों में इसलिए डिफरेंस है क्योंकि जो दलित वर्ग, दलित वर्ग का मतलब यहाँ जो दलित शब्द है, ये केवल किसी पर्टिकुलर एक कास्ट पे डिपेंड नहीं है, ये एक बहुत ही ब्रॉड एंड वाइडर टर्म्स है जिसके अंदर एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी, ये चार वर्ग आते हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने डिप्रेस कम्युनिटी, ऑप्रेस कम्युनिटी, सेप्रेस कम्युनिटी के बोला गया है। तो जिस प्रकार से अभी ये जो भ्रांतियाँ चलाई जा रही हैं, या जो अभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने में लग रही है, मेरा साफ सीधा सवाल है, हम घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, केवल राहुल ये मुझे बताइए कि जिस मायावती ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, ठीक है, कि वो लोग इकट्ठा करते हैं, पैसे देकर भीड़ लाते हैं, तो सीधा तौर पर ये कहा जा सकता है कि उस बयान के बाद जो उत्तराधिकारी वाला बयान था, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो जिक्र है वो सीधे तौर पर नहीं कर पाई, लेकिन ये जरूर उन्होंने बता दिया कि जो लोगों को आगे कर रही है वो, उसके पीछे जो है वो कांग्रेस है और वो पैसा खर्च कर रही है। तो साफ तौर पर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो उनके बयान के द्वारा। अब ऐसे जो लोग हैं उनको कितना सक्षम मानते हैं, क्या वो वाकई जो मीडिया है यूं कहें या अन्य दल हैं, वो ये चाह रहे हैं कि पीछे के दरवाजे से कहीं ना कहीं बहुजन समाज या बसपा, अगर बसपा नहीं तो बहुजन समाज का उत्तराधिकारी के तौर पर किसी अपने एक मखोटे को पेश कर दिया जाए नेता के तौर पर? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि इस देश की, हम वो उस पार्टी में बिलीव रखते हैं जो इस देश की पैट्रियार्की सोसाइटी में विश्वास रखती है, जो इस देश के संविधान के प्रेम में विश्वास रखती है। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी इकलौती इस देश की ऐसी नेता हैं जो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने का काम करती हैं। और अभी आपको लगता है कोई बसपा में उत्तराधिकारी बनने लायक है नेता? देखिए, उत्तराधिकारी तो और भी कोई उत्तराधिकारी तो अभी हम सोच ही क्यों रहे हैं इस बारे में, क्योंकि माननीय बहन कुमारी माती ने इसको बहुत ही क्लियर कट कह दिया कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, हमें जरूरत ही नहीं है। और हम मुझे जबरदस्ती कर रहे हैं उनको लेकर, देखिए जबरदस्ती जो लोग कर रहे हैं, जिनकी ऐसी मंशा है कि जो चाहते हैं कि उत्तराधिकारी बताया गया है, उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग है कि वो अभी से, ताकि हो सकता है, देखो पूर्व में आपको पता ही है बाबा साहब के ऊपर भी हमले हुए,